आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि एक पॉइंट पी पे प्लेस्ड है और उस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया जा रहा है और उस ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड एक अनदर पॉइंट क्यू तक आ रहा है बाई टू सेपरेट पाथ्स पी आर क्यू एंड पी एस क्यू। तो कुछ इस तरह से एक पॉइंट पी है, यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क है और एक पॉइंट क्यू है, यहाँ रिसेप्टर लगा है। पी आर क्यू एक पाथ है जहाँ से साउंड क्यू तक आ रहा है और पी एस क्यू एक दूसरा पाथ है, यहाँ से भी साउंड क्यू तक पहुँच रहा है। तो ये दो अलग अलग पाथ्स हैं, इन दोनों पाथ से साउंड क्यू तक पहुंच रहा है। व्हेन पीएसक्यू इज ग्रेटर देन पीआरक्यू बाय 11.5, मतलब जब पीएसक्यू और पीआरक्यू का जो पाथ डिफरेंस होता है ना, पीएसक्यू माइनस पीआरक्यू जब 11.5 होता है, मतलब ये जो पाथ डिफरेंस है अगर इसे डेल्टा एक्स से डिनोट करें, जब ये 11.5 होता है तो साइलेंस आता है और जब ये डेल्टा एक्स जब अपना 23 हो जाता है तो लाउड आ जाता है और फिर 34.5 पे साइलेंस आता है। डेल्टा एक्स इक्वल टू 34.5 साइलेंस। तो अपन जानते हैं कि दो साइलेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा के बराबर होता है, मतलब वेवलेंथ के बराबर होता है। तो अपना लैम्डा कितना आ गया है, ऐसे लैम्डा इक्वल टू पहला साइलेंस अपना 11.5 पे आया था और दूसरा साइलेंस तब आया था जब पाथ डिफरेंस 34.5 हो गया था। तो यहाँ से अपना लैम्डा आ गया और ये साइलेंस कंटिन्यूस है, तो यहाँ से अपना लैम्डा आ गया 34.5 माइनस 11.5, तो ये 23 आ गया। हेंस लैम्डा अपना 23 आ गया। अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड होता है, तो अपना स्पीड दे रखा है अपने को यहाँ पे 331.2 और अपन ने वेवलेंथ निकाली लिया है, तो अपना फ्रीक्वेंसी आ गया 331.2 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 23 0.23 इक्वल टू 1440 हर्ट्ज। ये अपना आंसर हो गया फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली साइलेंस लाउड और साइलेंस फिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरफेरेंस जब हो रहा है तो जैसे पाथ डिफरेंस, जैसे ये पॉइंट पी है, यहाँ से वेव क्यू तक पहुँच रहा है और एस पी से एस होते हुए यहाँ से भी क्यू तक पहुँच रहा है, तो जब इन दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो अपने को लाउड सुनाई दे रहा है साउंड, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये साइलेंस आ जा रहा है। तो इसलिए डेल्टा एक्स चेंज करने पर अपने को पीरियोडिकली साइलेंस, लाउड और साइलेंस ये सुनाई दे रहा है।